ऐसे मित्र हमारे प्रत्याशी रवि शर्मा जी और आज झांसी के इस बड़ी रैली में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, जब भी मैं झांसी में आता हूं, झांसी की धरती का स्वाद अंदर जाते ही नई चेतना और ऊर्जा की अनुभूति होती है। झांसी में आते ही महारानी झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की हुकार मेरी झांसी नहीं दूंगी वो आज भी कानों में गूंजने लगती है। वीर झंडारी बाई का शौर्य, उनका त्याग, उनका बलिदान आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देता है और तात्या टोपे का साहस और अंग्रेजों को झुकाने वाली उनकी रणनीति और सन 57 की क्रांति आज भी नजर के सामने आती है। भैया हो गया, बैठ जाओ, देख लिया मैंने, वो बैठ जाओ, देख लिया मैंने, आपको कह रहा हूं मिले जब भी, और बैठ जाओ भैया, अब बैठ जाइए, देख लिया, धन्यवाद। मित्रों, यही बुंदेलखंड की धरती थी जिन्हें अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया, यही धरती थी जिन्हें आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी धरती के पंडित बाबूलाल दुबे, लाडली प्रसाद जी, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, कृष्ण गणेश अन्ना जी, कुंज बिहारी लाल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना यहां से देश की आजादी में योगदान दिया और यही धरती ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी भारत को भेंट करने का काम किया। तो आज उसी धरती पर मैं आया हूं और मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि आज इस धरती पर मैं चुनाव प्रचार करूंगा। रवि शर्मा मेरे साथ खड़े हैं, अरे हो गए नारे भैया, हो गया, बना तुम चालू रखो मैं बंद कर लू, हो गया पक्का, पक्का भारत माता की जय के अलावा कुछ नहीं बोलोगे, बस बैठ जाओ, अब बैठो। मित्रों, मुझे 2013 का दिसंबर याद है, रवि के घर पर नाश्ता कर झांसी के सारे प्रमुख जनों के साथ मिलकर यहां से बुंदेलखंड विजय की रणनीति बनाई थी। जब मैं उस वक्त कहता था कि मोदी जी के नेतृत्व में 60 पार करनी है, 14 के चुनाव में 60 लोकसभा जीतनी है, मुझे याद है रवि भाई समेत सारे लोग मेरे सामने से ही देख रहे थे कि व्यक्ति कहां से आया है और क्या बोल रहा है। मगर उत्तर प्रदेश की महान जनता का, बुंदेलखंड की महान जनता का आशीर्वाद था। जब वोटों का काउंटिंग समाप्त हुआ, 60 छोड़ दीजिए, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और वहीं से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विजय की गाथा को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता ने लिखा। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, उस वक्त भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था, महोबा से शुरुआत करी थी और हमने कहा था यहां पर ना बुआ आएंगे ना भतीजा आएंगे, कमल ही कमल खिलेंगे। और मित्रों,
19 की 19 सीटें पूरे बुंदेलखंड को सफाया कर सिर्फ कमल का निशान बुंदेलखंड ने लखनऊ का। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश ने फिर से एक बार 65 से ज्यादा सीटें देकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जब से मोदी जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर आया है, हाथी और साइकिल दोनों रास्ता भूलकर भटकने लगे हैं और हर गलियारे में कमल का फूल खिला हुआ है। मैं जब आज यहां आया हूं, थोड़ा समय कम है मित्रों, मगर मैं आपको बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश को देश का सोचने वाली सरकार चाहिए या अपना परिवार का सोचने वाली सरकार चाहिए, बताइए भाई। उत्तर प्रदेश को देश का सोचने वाली सरकार चाहिए या परिवार का? जोर से बोले, सुनाई नहीं पड़ता है। क्या ये सपा बसपा देश का सोच सकते हैं क्या? जोर से बोलो, सोच सकते हैं क्या? देश के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का। माताओं, बहनों, भाइयों, बुंदेलखंड के लोगों को याद होगा, इस सपा बसपा के जमाने में सरकार बदलती थी तो माफिया भी बदल जाते थे, मगर बुंदेलखंड को माफियाओं से मुक्ति नहीं मिली। मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई तो गए ऊपर कुछ है जेल में और कुछ भागकर नरोत्तम मिश्रा के मध्य प्रदेश में शरण बैठे। मगर ये जो माफियाओं का राज था, आपने 300 सीटें दी, योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में माफियाओं का सफाया कर बुंदेलखंड के विकास का रास्ता। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं दिखाई पड़ता, चुन चुन कर माफियाओं को जेल में डालने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसीलिए यहां पर एक विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, बुंदेलखंड के अंदर पहले सपा बसपा के जमाने में क्या होता था? अवैध खनन होता था। अवैध खनन की जगह भारतीय जनता पार्टी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आई। अवैध कब्जे होते थे, गरीबों की भूमि माफिया छीन कर ले जाते थे। योगी सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि को माफियाओं से मुक्त कराने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। जहां अवैध कब्जे होते थे, वहां आज बुंदेलखंड में सोलार का हब बना हुआ है। पहले यहां दबंगे और दंगे होते थे, इसकी जगह बुंदेलखंड की प्यास को बुझाने के लिए हर घर में नल से पानी पहुंचाने की योजना एक भारतीय जनता पार्टी की। पहले घोटाले होते थे, अब अनेक बांध परियोजनाएं लेकर हम आए हैं। पहले गरीबों का शोषण होता था, आज हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा दिया गया है। हर गरीब माता के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। हर गरीब के घर में आज बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। हर गरीब के घर में 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है मित्रों। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप यहां उपस्थित हो, मुझे बताओ भाई, कितने लोगों ने टीका ले लिया है कोरोना का? जरा हाथ ऊपर करो। सबने लिया है ना? पक्का? अब जब टीका हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, मैंने अखिलेश यादव की प्रेस देखी थी, वो कहते थे
ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। अखिलेश बाबू ने तो फिर डर कर टीका वो खुद लगा ली। मगर मुझे बताओ झांसी वालों, अगर आपने डरकर अखिलेश की बात मानकर टीका न लगाया होता तो आज तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को दो दो टीके लगाकर कोरोना के सामने सुरक्षित कर दिया। दुनिया भर में जब कोरोना आया तब चर्चा थी कि कोरोना से ज्यादा तो भूख से लोग मारे गए। माताओं भाइयों बहनों, एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसने 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को यूपी में 2 साल तक मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ये 2 साल तक गरीब का घर का चूल्हा चलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न सोए, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की। मित्रों, हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम भेजी। मित्रों, अपने झांसी के अंदर 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा प्लांट भी, सोलर प्लांट नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। मित्रों, झांसी के अंदर बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट की सौर ऊर्जा लगने वाली है। नहरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर पूरे बुंदेलखंड की बिजली की समस्या समाप्त हो गई। झांसी वालों को तो बताओ भाई, बिजली रानी आपके घर में कितना घंटा आती थी सपा के राज में? कितना, जरा जोर से बोलो, इस बार बोलो भाई, कितना घंटा आती थी? आज 24 घंटा बिजली भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। मित्र, इसको कहते हैं सुशासन। जाकलोन पंप के न ललितपुर के टॉप पर 2.5 मेगावाट का हमने यहां पर सोलर प्लांट लगाया। चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट धाम विकास परिषद बनाई गई। और जल के लिए मैं बताता हूं, 1000 साल से बुंदेलखंड अकालग्रस्त क्षेत्र था। हमारे यहां मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने अटल जी के समय ही सारा डेवलपमेंट कर लिया था, पैसा तो यहां पर आया था। मगर अखिलेश सरकार के चट्टे बट्टे पूरा पैसा खा गए। अब पैसा खा गए, कहीं ना कहीं तो छिपाया होगा। कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने कानपुर में एक समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड डाल दिया। आपको मालूम है ना रेड पड़ी थी? आपको मैं बताने चाहता हूं, ये मंच पूरा भर जाए इतनी नोटों की गड्डिया वहां से पकड़ी गई, इतनी नोटों की गड्डिया। और अखिलेश बाबू नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से रेड हो रही है। क्यों अखिलेश बाबू, ये आपका रुपया था क्या? जरा झांसी वालों को बता दो। और अगर आपका नहीं है तो आपको क्या नाराजगी है? अखिलेश जी कान खोल कर सुन लो, जो भ्रष्टाचार का पैसा होगा, अवैध पैसा होगा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जरा भी नहीं डरेगी। रेड डालकर सरकार के खजाने में उसको जमा कर दिया। मित्रों, ये बुंदेलखंड की प्यास को बुझाने के लिए महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, बावनी बांध परियोजना, चिल्ली स्पिकलर परियोजना और बुंदेलखंड समस्त के लिए, जिसे झांसी नगर को भी पानी मिलने वाला है, 44,600 करोड़ की केन बेतवा को जोड़ने वाली परियोजना। मोदी जी के अलावे बुंदेलखंड के जल के संकट को
कोई समाप्त नहीं कर सकता था। 9 लाख हेक्टर भूमि इससे सिंचित होने वाली है और मित्रों इस बजट के अंदर वो 44,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ का प्राथमिक खर्च भी मंजूर कर दिया गया है। मित्रों मैं झांसी में आया हूं, वैसे तो रवि मेरा मित्र है, मित्र की बहुत प्रशंसा करने का कोई मतलब नहीं है, मगर उसने ढेर सारे काम झांसी के लिए कहे। यहां पर अटल एकता पार्क बनाकर उन्होंने एक प्रकार से पूरे बंदेलखंड को संदेश देने का काम किया है। मढ़िया महादेव को फिर से एक बार सुसज्जित करने का काम किया है। मैं तो इस झांसी में 6 दिन तक सड़कों पर घुमा हूं, झांसी नगर की सड़कों को फिर से ठीक करकर आज झांसी वालों को अच्छी सड़कें देने का काम हमारे विधायक रवि जी ने किया। महानगर पेयजल के संकट से जूझता था, 900 करोड़ रुपया सिर्फ झांसी नगर के पेयजल के लिए यहां पर पंप हाउस और एक टैंक्स और पाइपलाइन की व्यवस्था की। लक्ष्मी तालाब के मध्य में महारानी लक्ष्मीबाई की भव्य प्रतिमा के साथ उसका सौंदर्यीकरण का काम 41 करोड़ की लागत से हो रहा है, जिससे देश भर की बच्चियों को प्रेरणा मिल सके। झांसी की जनता ग्वालियर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से हमेशा परेशान रहती थी। रहते थे ना भाई, रहते थे या नहीं रहते थे? 102 करोड़ की लागत से वहां ओवरब्रिज बनाने का शिलान्यास करने का काम भी समाप्त हुआ। झांसी की रानी का मेडिकल कॉलेज 250 बेड से 500 बेड का बदलने का निर्णय कर दिया गया है। ध्यानचंद स्टेडियम में युवाओं के लिए बैडमिंटन कोर्ट का भी निर्माण हुआ है और 161 लाख की लागत से बेसहारा पशुओं के लिए एक चारा केंद्र, वहां पर एक काना उत्पन्न की व्यवस्था करने का काम भी रवि ने किया है। झांसी में अलग अलग स्थानों पर प्योरिफाइड पेयजल पिलाने की व्यवस्था करी है और झांसी शहर को प्रदूषण मुक्त बसे देने का काम भी हमारे विधायक रवि ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, मुझ पर भरोसा करिएगा, रवि को विधायक बनकर भेज दीजिए, बड़ा बनाने का काम मैं करूंगा। एक विधायक माताओं बहनों भाइयों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कश्मीर में से धारा 370 हटाने का विरोध करते थे।
मुझे बताओ, जो पार्टियां धारा 370 को हटाने का विरोध करती है उनको वोट दिया जा सकता है क्या? जोर से वोट दिया जा सकता है क्या? पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं करते। मोदी जी ने ढेर सारी देश की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव मोदी जी के हाथ मजबूत करने वाला है। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव योगी जी का फिर से मुख्यमंत्री